तो दोस्तों देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं माँ गंगा का जो जलस्तर है वो बढ़ा है, और माँ गंगा के किनारे जितने भी शहर इस समय बसे हुए हैं और जहाँ जहाँ से माँ गंगा निकल रही हैं उनके किनारे खेत जो हैं वो भी, उनकी जो फसलें हैं वो भी बर्बाद हो चुकी हैं। और देखिए कि यहाँ पे और बीच धारा में माँ गंगा का आप देख सकते हैं कि जो प्रवाह है वो काफ़ी तेज है। हालांकि हम इस समय खड़े हैं, आपको बता दें, गाज़ीपुर जनपद के गौसपुर इलाके में, और यहाँ से भी माँ गंगा बहती हैं, और जो कि यहाँ पे जो हम दृश्य देख पा रहे हैं वो बेहद ही खतरनाक है और डराने वाला है, क्योंकि बीच धारा में लहरें जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ हैं। और अभी देखिए, हम किनारे आपको दिखाएं तो पानी शांत रूप में बह रहा है, लेकिन वीडियो में आपको भी दिखेगा, हम थोड़ा सा आपको जूम करके ज़रूर दिखाएंगे। देखिए जो लहरें हैं और जो वेग है वो बहुत तेज़ बह रहा है। तो हम आगे चल के भी आपको दिखाने वाले हैं कि और कहाँ कहाँ जो प्रवाह है वो बढ़ा है, जलस्तर है वो कहाँ कुछ बढ़ा है, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। और पानी जो है देखिए यहाँ तक माँ गंगा का चला आया है और धीरे धीरे अब इस रास्ते से बढ़ रहा है। बनारस होते हुए, गाजीपुर होते हुए, बक्सर, बलिया और पटना होते हुए माँ गंगा जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। और देखिए, आपको दिखा दें कि ये माँ गंगा के किनारे जो तटवर्ती इलाके हैं, जहाँ ये खेत हैं, यहाँ पे आपको दिखाएं कि ये चारा लगाया गया है जो गाय भैंसों के लिए होता है, और यहाँ पे ये खेत खाली है। चूँकि खाली छोड़ा गया है कि अभी पता नहीं क्या जलस्तर की स्थिति होगी, इसलिए यहाँ पे कोई फसल नहीं लगाई गई है। और देखिए सामने आपको ये रोड दिखाई देगा, तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में। और दोस्तों, हम आपको देखिए ये दूसरी लोकेशन से दिखा रहे हैं, ये माँ गंगा की लहरें हैं और बीच नदी में ये लोग नौका संचालन कर रहे हैं। देखिए अब ये लोग नाविक हैं, तो काफ़ी इन लोग की प्रैक्टिस है, तो ये लोग कर सकते हैं। लेकिन इस समय माँ गंगा में स्नान करना या बीच में जाके कुछ ऐसा करना किसी खतरे से खाली नहीं है, यदि आपको तैरना नहीं आता है। और देखिए कि एक बहुत तेज़ लहरों के साथ माँ गंगा अब आगे बढ़ रही हैं। और देखिए इधर हम दिखा दें, और किनारे यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम भी सुहाना हो चुका है और ग्रीनरी जो है वो बहुत सारी है। देखिए ये कौन सा इलाका पड़ता है भैया? ये गौसपुर है। देखिए यहाँ पे कुछ लोग ये मछली भी यहाँ पे मार रहे हैं, पानी को एक जगह इकट्ठा करके। और देखिए इन लोग की, देखिए पानी कितना बढ़ा ला भैया? पानी रोज बढ़ रहा है, बढ़ेगा अभी। देखिए ये जो नाविक हैं ये लोग बता रहे हैं कि पानी रोज बढ़ेगा, और देखिए ये लोग कितना तेज वेग बना हुआ है माँ गंगा का। और ये देखिए तीसरी नाव आ रही है, और ये तीसरी नाव आ रही है, ये लोग रेस कर रहे हैं। तो ये लोग रेस लगा रहे हैं कि मछली पकड़ रहे हैं? हाँ, नाव का। अच्छा, पानी जनरली रहता है तो कहाँ तक पानी रहता है अंकल जी? हेलो, पानी रहता है तो कहाँ तक रहता है सामान्य? पूरा एकदम मतलब पीछे चला जाता है। और ये सब क्या है, खाली जमीन है मतलब? तो देखिए जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जितना आप फ्लो देख पा रहे हैं और पानी का जो एक अमाउंट है ह्यूज अमाउंट में, ये काफ़ी बढ़ा हुआ है। आपको जलस्तर हम दिखा रहे हैं, और जनरली नॉर्मल दिनों में, सामान्य दिनों में ये पानी बहुत पीछे जाती हैं गंगा जी, लेकिन अब चुकी है कि आगे बढ़ी हैं। और ऐसा कहा जा रहा है, ये लोग बता रहे हैं कि जलस्तर जो है अभी और बढ़ने की उम्मीद है। देखिए वहाँ पर कटान भी शुरू हो चुकी है, तो किलोमीटर दूरी में पानी रहला खाली बच्चों
पानी कहाँ रहला? आधा किलोमीटर दूरी में। अच्छा, मतलब ये गंगा जी आधा किलोमीटर आगे बढ़ के चली आई हैं। देखिए लोग बता रहे हैं कि गंगा जी जो हैं आधा किलोमीटर दूर पानी में चढ़ के चली आई हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक नई लोकेशन का आपको दिखाते हैं। देखिए ये लोग ये भी नाव लेके आ गए हैं और आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ये तिरपाल है, इसे पाल कहा जाता है ना अंकल जी? ये पाल कहता है ना? इसका क्या फायदा होता है? हवा में उड़ता है। हवा में उड़ता है ना? तो जिसे पानी बढ़ेगा तो फसल वसल तो चौपट हो जाएगा सब। हाँ। है अभी कौन सा फसल, तो कौन सा फसल लगाए अभी? फसल यही और है, बजरा है, और का है। पानी बढ़ेगा तो सब डूब जाएगा। हाँ। देखिए यहाँ पे लोग माँ गंगा का जलस्तर भी देखने आ रहे हैं और ये लोग यहाँ के स्थानीय हैं जो बता रहे हैं कि गंगा के जलस्तर बढ़ने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और वो देखिए दूर एक नाव आपको हमको दिखाई दे रही है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे कि ये जो किनारा है माँ गंगा का, यहाँ पे अभी फसलें लगाई नहीं गई हैं और आगे के खेतों में लगाई गई हैं। तो अभी लोग बता रहे हैं कि माँ गंगा जो है यहाँ पे भी अभी चढ़ के आने वाली हैं क्योंकि जलस्तर रोज़ की रोज़ बढ़ रहा है। और अभी चूँकि टेहरी बांध खुला ही नहीं है तो टेहरी बांध का हिस्सा जो है पानी का वो अभी बाकी है, जब वो आएगा तब तो स्थिति और भयावह होने वाली है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे हम। और इसी के साथ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय हम गांव में आ चुके हैं और गांव में आपको हरे भरे खेत दिखाई देंगे, पेड़ दिखाई देंगे और यहाँ पे कुछ एक तालाब भी है वो भी दिखाई देगा। देखिए वहाँ ट्रैक्टर जुताई कर रहा है। और आपको बता दें कि वो जो सामने आप देख पा रहे हैं जो सफ़ेद सफ़ेद कलर का आपको दिखेगा जो सिंबल है वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया था अपने शासनकाल में और काफ़ी ये यूज़फुल है जो कि सीधा ये कनेक्ट करता है आजमगढ़ और लखनऊ को। तो जो गाज़ीपुर से या जो बिहार से लोग आते हैं और जिन्हें लखनऊ जाना है उनके लिए बहुत एक बेटर ऑप्शन हो चुका है ये। तो दोस्तों हमने आपको गाजीपुर जनपद में दिखाया कि बाढ़ की क्या कुछ स्थिति है और जहां माँ गंगा गाजीपुर को होते हुए टच करते हुए बढ़ चलती हैं बिहार की तरफ, बक्सर बलिया होती हुई पटना होते हुए चली जाती हैं बंगाल। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं या पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम इसी तरह की और वीडियोज़ आप तक लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई फ्रेश वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।